कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में लगाए गए लॉकडाउन से साबित होता है कि अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक अहंकार होता है। उन्होंने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के एक कथन का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, यह लॉकडाउन साबित करता है कि सिर्फ एक चीज अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक है और वह है अहंकार। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लॉकडाउन के चारों चरणों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया है। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी भी पहुंचे। बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रमित कर रहे थे और निजी अस्पतालों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हमने गृह मंत्री को सबूत सौंपे हैं, उन्होंने उनको स्वास्थ्य सचिव द्वारा जांच के लिए भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हर किसी के पास टेस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। इलाज केवल टेस्टिंग और ट्रेसिंग की पॉलिसी से ही संभव है, जिसे सभी देशों ने अपनाया है। गृह मंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई टेस्टिंग पॉलिसी के तहत हर किसी के पास टेस्टिंग का अधिकार होगा। इसके अलावा अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर्स के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान करने की घोषणा की थी, लेकिन वह मुआवजा अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। हमने अनुरोध किया है कि मुआवजा तुरंत प्रदान किया जाए ताकि वे अपना मनोबल न खोएं। फ्यूल और पावर की कीमतों में गिरावट के चलते देश में मई में थोक महंगाई दर में 3.21% की कमी आई। हालांकि इस दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी देखने को मिली। मई महीने में थोक मुद्रास्फीति में सालाना आधार पर 3.21% की गिरावट देखने को मिली। पिछले साल मई में थोक मुद्रास्फीति 2.79% पर रही थी। इस साल मई में खाने पीने के सामानों की थोक कीमतों में 1.13% की तेजी देखने को मिली। अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 2.55% पर थी। मई में ईंधन और बिजली की WPI -10.12% से घटकर -19.83% हो गई। वहीं खाद्य की थोक महंगाई 3.60% से घटकर 2.31% रही। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की WPI -0.42% रहा। गुजरात में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कच्छ में दोबारा 12:57 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 रही। भूकंप का केंद्र कच्छ से 15 किलोमीटर दूर रहा। भूकंप के झटके के बाद लोग घर से बाहर आ गए। आपको बता दें, इससे पहले रविवार को कच्छ में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। लोगों का कहना था कि रविवार रात आए भूकंप काफी जोर का था, जिसके बाद दहशत में लोग देर रात तक घरों से बाहर रहे।